वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अयोध्या रोड पर कुकरैल नदी तट पर स्थित सौमित्र वन में पौधारोपण किया और पौधारोपण जन अभियान 2024 का शुभारंभ भी किया। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत उन्होंने इस बार एक पेड़ मां के नाम पेड़ लगाने का आह्वान भी किया। वहीं यूपी में एक दिन में 36.50 करोड़ पौधारोपण का भी लक्ष्य रखा गया है और अब यह अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगा। वहीं एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग एक नया संकट बनता जा रहा है और इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य की ही होनी चाहिए और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह आह्वान हर भारतवासी के लिए एक मंत्र बनना चाहिए और इस अभिलाषा से हमने प्रदेश में इस पवित्र अभियान को अपने हाथों में लिया है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। इसके पीछे की भावना भी यही थी कि दुनिया के अंदर पर्यावरणविद एक बात को लेकर के चिंतित हैं और वह चिंता है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के अंदर जीव सृष्टि के लिए एक नया संकट खड़ा करने जा रहा है। इस नए संकट से उभरने के लिए, क्योंकि संकट कहीं और से नहीं मनुष्य के स्वार्थ ने ही प्रदान किया है, इसलिए इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य के ऊपर ही होनी चाहिए और इस दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का यह आह्वान हर भारतवासी के लिए यह एक मंत्र बनना चाहिए। इस अभिलाषा से हम लोगों ने प्रदेश में इस पवित्र अभियान को अपने हाथों में लिया और मुझे प्रसन्नता है कहने में कि 5 जून के बाद से लगातार प्रदेश में वृक्षारोपण महाभियान के साथ एक पेड़ मां के नाम लगाने का यह गौरव उत्तर प्रदेश के लगभग लगभग हर परिवार